हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 था। वे लगभग 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। सेकंड राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पद पर भी कार्य कर चुके थे। उनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से 13 मई 1967। थर्ड राष्ट्रपति बने भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 रहा। फोर्थ राष्ट्रपति थे भारत के बीबी गिरी। वे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। उनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। भारत के सिक्स्थ राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। संजीव रेड्डी का कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। सेवेंथ राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह, जो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। एट्थ राष्ट्रपति बने भारत के आर वेंकट रमन। उनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। नाइन्थ राष्ट्रपति बने भारत के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। टेंथ राष्ट्रपति थे भारत के आर नारायणन। उनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। वे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने। एलेवेंथ राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। प्रतिभा सिंह पाटिल भारत के 12th और प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी और इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। भारत के 13th राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। भारत के 14th राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। उनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022। भारत के 15th और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से जारी है। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।